सीबी और सीबी में संबंध, इसे हम लोग बोलते हैं मेयर सूत्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, माना नियत आयतन पर आदर्श गैस के एक मोल को डीक्यू ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, नियत आयतन का मतलब होता है एक कॉन्स्टेंट आयतन। अगर एक मैं बीकर, एक बीकर लेता हूं, इसमें मैं पानी भर के रखूंगा, ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऊष्मा देता हूं लेकिन इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो, मतलब पानी का लेवल थोड़ा सा भी ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, मेरे को इतनी ही ऊष्मा की मात्रा देना है। ठीक है, लिखा हुआ है माना नियत आयतन पर आदर्श गैस के एक मोल को डीक्यू ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, तो आदर्श गैस नहीं, सॉरी, वाटर में ये गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर गैस भरा हुआ है, तो नियत आयतन पर आदर्श गैस के एक मोल को, कितना मोल, एक मोल यहाँ पर गैस का रहा है, उसको डीक्यू ऊष्मा दी जाती है, जिससे उसके ताप में कितनी वृद्धि हो जाती है, डीटी की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये नियत आयतन पर एक आदर्श गैस भरा है इसने, नियत आयतन मतलब इसके आयतन में वृद्धि नहीं हो रही है, उसको हम लोग डीक्यू ऊष्मा देते हैं, जिससे उसके ताप में कितना वृद्धि हो जाता है, डीटी की वृद्धि हो जाती है। तब के कंडीशन में डीक्यू मतलब डीक्यू ऊष्मा किसके बराबर होता है, सीवी डॉट डी के बराबर होता है। ठीक है, सीवी डॉट डी टी ये कहाँ से आता है, तो डीक्यू इज इक्वल टू होता है बेटा एन सीवी डॉट डी टी, जहाँ जिसमें कहा डीक्यू क्या है, डीक्यू ऊष्मा। ठीक है, और डी टी क्या होता है, डीक्यू ऊष्मा के कारण से टेम्परेचर में वृद्धि। लेकिन सीवी क्या है, तो सीवी क्या है, यहाँ पर सीवी नियत आयतन पर गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, क्या है सीवी, आणविक विशिष्ट ऊष्मा, किसमें, नियत आयतन पर आणविक विशिष्ट ऊष्मा, मतलब कि अगर इसको गर्म किया जाए तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन इसके आयतन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियत आयतन बोलेंगे। तो सीवी क्या है, इसकी नियत आयतन पर आणविक विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, इन तीनों को मीनिंग आपको पता होना चाहिए, डीक्यू क्या है, डीक्यू ऊष्मा, सीवी क्या है, नियत आयतन पर आणविक विशिष्ट ऊष्मा, और डीटी क्या होता है, ताप में वृद्धि। ठीक है, चलो तब नीचे क्या हो जाएगा, गैस का आयतन नियत रहता है तो उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, अतः डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पर गैस का आयतन है वो क्या है, नियत है, मतलब गैस के आयतन में किसी भी प्रकार की वृद्धि ना हो, तो क्या इसमें किसी भी प्रकार का कार्य किया जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, आयतन में कोई भी वृद्धि ना रहा मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। अगर हल्का फुल्का भी वृद्धि हुआ तो कार्य किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं है मतलब कोई भी कार्य नहीं किया गया है। अगर कोई भी कार्य होगा बेटा इसमें, किसी भी प्रकार का कार्य होगा, तो इसके आयतन में जरूर कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। अगर कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है मतलब किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। अब भी पढ़े ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम क्या कहते हैं, डीपी इज़ इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी ए। डी डब्ल्यू क्या है, किया गया कार्य, डी यू क्या है, डी की ऊष्मा, और डी यू क्या है, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, तो डी डब्ल्यू का मान क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो डी डब्ल्यू का मान यहाँ पर जीरो रख लो, तो यहाँ पर डी क्यू का मान कितना है आपके पास, यहाँ से देखो डी क्यू इज़ इक्वल टू कितना था, सीबी डॉट डी टी, हाँ, तो डी क्यू का मान यहाँ पे रख लो, तो कितना हो गया, यहाँ पे देखो ये वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, डी क्यू का मान यहाँ पर कितना है आपका, सीबी डॉट डी टी, सीबी डॉट डी टी यहाँ पे पुट कर दो, प्लस डी डब्ल्यू का मान कितना था, जीरो, प्लस डी यू, तो डी इज़ इक्वल टू कितना हो गया, सीबी डॉट डी टी, यह आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बस सिंपली वैल्यू पुट करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये वैल्यू, क्योंकि आप पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ रहे हैं ना, कुछ कुछ छूट रहा है, इसकी वजह से ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, कंप्लीट पढ़ने तो बहुत अच्छा है। चल, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, माना स्थिर दाब पर, स्थिर दाब टी पर आदर्श गैस के एक मोल को डीक्यू ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, अब इस ये जो आपको बीकर दिख रहा है इसमें क्या है, दाब को स्थिर रखे। ठीक है, माना स्थिर दाब पी पर आदर्श गैस के एक मोल कितनी ऊष्मा दी जाती है, डीक्यू ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक मोल गैस है, इसका दाब हम लोग क्या रखें, स्थिर रखें। ठीक है, मतलब दाब को ना तो बढ़ाया जा रहा है और ना ही दाब को घटाया जा रहा है, स्थिर दाब है, स्थिर दाब पर एक मोल गैस को कितनी ऊष्मा दी गई, डीक्यू ऊष्मा दी गई। ठीक है, जिससे उसके दाब में कितनी वृद्धि हो गई, डीटी वृद्धि हो गई। ठीक है, तो पहले कंडीशन ये था, अब दूसरे कंडीशन में क्या कर रहे हैं, पहले कंडीशन में क्या लिए थे, इसकी आयतन पर लिए थे, आप किसके कंडीशन में लेंगे, दाब पर लेंगे। जब आयतन में लिए तो यहाँ पर कितना लिए, सीवी लिए थे, जब दाब पर लेंगे बेटा तो क्या लेंगे, सीपी लेंगे। ठीक है,
वी मतलब यहां पर क्या हो गया आयतन और पी मतलब वहां पर क्या हो गया प्रेशर मतलब दाब। ठीक है तो यानी यही आपका आगे चल के कैलकुलेशन बनेगा सीवी माइनस सीवी बनेगा। ठीक है चल नेक्स्ट स्टेप तब डीक्यूजिबिलिटी कितना हो जाएगा सीपी डॉट डीक्यू। ठीक है क्यों हुआ क्योंकि यहां पर आप आयतन ले रहे थे ना तो यही पर हमला था डीक्यूजिबिलिटी कितना था सीवी डॉट डीटी। यहां पर किस में ले रहे हैं दाब में ले रहे हैं तो यही फॉर्मूला किसमें चेंज हो गया डी इक्वल टू सीपी डॉट डी। ठीक है अब ये कहां से आ गया तो यहां से आता है डीक्यूजिबिलिटी कितना होता है एल सीपी डॉट डीटी। अब एल कहां गया हम लोग तो एल की जगह हम लोग क्या लिए हैं यहां पर एक पोल लिए हैं। एल क्या होता है मोलों की संख्या होती है तो यहां पर अगर वन रखोगे तो एलिमेंट नहीं आ जाएगा आया ना। ठीक है इस वजह से यहां पर जितना लिया है एम को नहीं लिखे क्यों नहीं लिखे रिजल्ट क्या है एक पोल के लिए लेके चले हैं। ठीक है तब वहां पर फिर लिख लीजिए जहां सीपी क्या है आपका स्थिर दाब पर गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है तो सीपी क्या है आपका आणविक विशिष्ट ऊष्मा है इसमें स्थिर दाब और यहाँ पर सीपी क्या था नियत आयतन पर गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा। इसमें नियत आयतन पर था सीपी मतलब क्या हो गया नियत आयतन और सीपी मतलब क्या हो गया स्थिर दाब। ठीक है स्थिर क्या फिर नियत दाब भी बोलोगे तो भी गलत नहीं होगा दोनों दोनों को जहाँ सीपी क्या है नियत दाब पर गैस की आणविक विशिष्ट ऊष्मा है। यदि स्थिर दाब पी पर गैस के आयतन में वृद्धि कितनी हो जाए डीवी हो जाए तो गैस द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा डीडब्ल्यू इक्वल टू पी डॉट डी। ठीक है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है यदि स्थिर दाब मतलब स्थिर दाब मतलब दाब को क्या रखा गया कांस्टेंट रखा गया पी रखा गया तब गैस के आयतन में कितनी वृद्धि हो जाती है डी। मतलब दाब को उतना ही रखते हैं तब क्या हो रहा है गैस के आयतन में वृद्धि हो रही है कितनी वृद्धि डी भी वृद्धि हो जाती है तो गैस द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डॉट डी। डी डब्ल्यू क्या है किया गया कारण पी क्या है प्रेशर और डीवी क्या है आयतन में वृद्धि। ठीक है तब ऊष्मा गति के प्रथम नियम से ऊष्मा गति के प्रथम नियम से आप जानते हो कितना हो जाएगा डीवी से बढ़ू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ठीक है अब आपको यहाँ पर डी डब्ल्यू को वैल्यू पता है ठीक है और डीवी को भी वैल्यू पता है तो डी डब्ल्यू को वैल्यू कितना पता है आपको यहाँ पर सीपी डॉट डी टी। ठीक है यहाँ से देखो आप डीवी को यहाँ से मत निकालो यहाँ पर डीवी को वैल्यू अलग निकालो आपको। ठीक है इधर देखो भूमिका यहाँ पर वैल्यू देखो बेटा यहाँ पर भी डीवी को वैल्यू निकाले हो यहाँ पे भी निकाल लो तो यहाँ का वैल्यू मत पुट कर देना अभी दाब के लिए लेके चलेगा तो दाब वाला ही वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे डी क्यू वाली कितना पुट करोगे ये वाला वैल्यू पुट करोगे इसको बहुत सारा समीकरण डालना पड़ता है इस वजह से मैं समीकरण एक दो तीन चार पाँच ऐसा नहीं डालू सिर्फ दो ही समीकरण दे रहा हूँ। ठीक है तो जब भी यहाँ पर डी क्यू की बात कर रहे हैं तो ये वाला डी क्यू है डी क्यू वैल्यू कितना हो गया सी पी डॉट डी क्यू तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो सी पी डॉट डी क्यू और डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना निकाले सिर्फ एक चीज ध्यान रखना डीवी का वैल्यू यहाँ से मत पुट कर देना। ठीक है होता है कभी कभी कंप्यूजन से। ठीक है यहाँ पे डीवी निकालो ये स्थिर आयतन पर था बेटा ये किस पे है स्थिर दाब पर है तो दाब का वैल्यू पुट करना। ठीक है तो यहाँ पर डीक्यू को वैल्यू पुट कर दी ये हो गया डी डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ से ये हो गया और डी का वैल्यू कहाँ से हो गया यहाँ से हो गया समीकरण से सभी वैल्यू को पुट करोगे तब निकल जाएगा यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दो इधर। ठीक है अब देखो सीपी डॉट डी टी था इसको इधर ट्रांसफर कर दो सीपी वाले को इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस में नहीं हो जाएगा इधर प्लस में इधर आके माइनस में यहाँ से दोनों जगह से डी टी कॉमन निकल जाएगा यहाँ से भी हो यहाँ से भी इसको उठा के इधर ट्रांसफर करो दोनों जगह से डी टी को कॉमन निकालो तो कितना आ जाएगा सीपी माइनस सीपी डॉट डी टी समझ आ रहा है कैसे होगा। ठीक है इसी बॉडी कितना हो गया बेटा इधर जो वैल्यू बचा हुआ है इधर कितना वैल्यू बचा हुआ है पी डॉट डी टी ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। ठीक है अब आप जानते हो आदर्श गैस के समीकरण से आदर्श गैस के समीकरण से क्या चाहिए पी वी इक्वल टू एल आर टी एल आर टी का मतलब ठीक है एल कितना लिए हम लोग एक मोल लेके चले हैं इसलिए एल का वैल्यू यहाँ पर मैं वन नहीं दिखा रहा। ठीक है तो कितना हो गया अब समीकरण दो में मान रखने में आप देखो यहाँ पर पी वी इक्वल टू कितना था। ठीक है आप देखो यहाँ पर आपको पी डॉट डी वी इक्वल टू कितना था आठ डी। ठीक है ये कहाँ से देखो ये अगर हम लोग स्थिर दाब के बारे में बात करते हैं स्थिर दाब में कितना हो जाएगा यहाँ पर प्रेशर पहले कितना था
पी था, ठीक है। अगर स्थिर ताप कर रहे हैं तो इसको कितने बहुत छोटा स्मॉल ताप के बारे में बात करें, ठीक है। तो जब भी स्मॉल ताप के बारे में बात करेंगे ना तो यहाँ पर कितना लग जाएगा, पी लग जाएगा, तो पी भी हो गया। यहाँ पर कितना था, आर था। अब यहाँ पर अगर स्मॉल ताप के बारे में बात करेंगे तो स्मॉल टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल ताप पे कितना हो गया डीवी, और स्मॉल टेम्परेचर पे कितना हो गया डीवी, ठीक है। यहाँ पर पी डॉट डीवी इक्वल टू कितना हो गया आर डीटी। अब समीकरण दो में मान रखने पर, ठीक है, तो आप पूरा वैल्यू जो आपको दिख रहा है ये वाला वैल्यू, इसका समीकरण दो में मान रख दो। तो यहाँ पर पी डॉट डीवी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर आर डॉट डीटी हुआ, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू बेटे यहाँ ले जाकर पुट कर दो, सीपी माइनस सीवी डॉट डीटी आर इक्वल टू कितना हो गया आर डीटी। तो डीटी से डीटी कट गया तो कितना आ गया सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। छोटे मान के लिए बोलते हैं इसको, ठीक है, स्थिर दाब पर लिखा ना, अत्यंत छोटी राशि के लिए, अत्यंत छोटे मान के लिए, बस इतना ही है।